हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी मिटन बनाना बताऊंगी। ये ग्लव्स न्यू बॉर्न बेबी के लिए हैं, थ्री या फोर मंथ बेबी के लिए हैं। जब तक बेबी मुट्ठी बंद करके रखता है, इन ग्लव्स को पहना सकते हैं। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में बन जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्यूट से बेबी ग्लव्स को बनाना। फ्रेंड्स, बेबी ग्लव्स बनाने के लिए 3.5 mm क्रोशेट हुक का यूज करेंगे, वूल भी पतली ही लेंगे। तो सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। नॉट बनाई हमने, अब फाइव चैन लेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फाइव चैन लेने के बाद अब जो हमारा फर्स्ट चैन था, यहाँ से हम लास्ट, ये तो यहाँ से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, तो ये हमारा एक रिंग बन जाएगा। अब हम थ्री चैन लेंगे। ये देखिए, तो अब हम इस रिंग में 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया, ये देखिए, पहले ये हमारा थ्री चैन भी काउंट करेंगे तो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हुआ। अब ये सेकंड बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये देखिए, 16 डबल क्रोशिया बनाए हमने। ये थ्री चैन भी काउंट करेंगे तो हमारे 16 डबल क्रोशेट बना लिए हमने। अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये 1, 2, 3 चैन लिए थे, ये यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा एक रिंग बन गया। अब हम थ्री चैन लेंगे। अब हर एक स्टिच में दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया हुआ। इस सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये 2 हो गए। अब हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्लो ही बताऊंगी, क्योंकि कमेंट में व्यूअर्स ने कमेंट किया कि मैं बहुत फास्ट बताती हूँ, तो मैं स्लो ही बताऊंगी। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हुए एक ही चैन में। नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे 2 डबल क्रोशिया बनाया। तो हमें हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत इजी है बनाना डबल क्रोशिया बिगनर्स के लिए। तो ये जो बेबी ग्लव से बहुत ही इजी है बनाना, उससे आप बिगनर्स बनाएंगे स्टार्टिंग से, तो उससे आप बनाना भी सीख जाएंगे कैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं। और अगर डबल क्रोशिया बनाना नहीं आता है, चैन बनाना नहीं आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है जो बेसिक, उसमें मैंने बताया है सीखे कैसे पकड़े क्रोशिया और कैसे बनाए चैन, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, मैंने सब बताया। तो आप मेरे वीडियो चैनल पर जाके वीडियोस को देख सकते हैं और उससे बनाना सीख सकते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये ऐसे हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ऐसे हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले ये हमने अपना राउंड कंप्लीट किया। अब हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद अब हर एक डबल क्रोशिया में एक एक चैन, जो हमारी एक 1-1 चैन है, हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी 2 चैन भी एक हाफ डबल क्रोशिया ही है। अब नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया में 3 लूप से
एक साथ निकालेंगे तो उसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। ये देखिए हमने लूप को क्रोशेट हुक में लिया, ये चैन पे ऐसे अपने हुक को ऐसे अंदर से लेके ऐसे निकालेंगे तो ये, और फिर थ्री लूप है, 1 2 3 थ्री लूप से निकलेगा तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे, तो हमको ये पूरी राउंड में हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक एक हाफ डबल क्रोशिया हर एक चैन में बनाने हैं। ये पूरा राउंड ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। पहले ये हमने अपना राउंड हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट किया, अब हम यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा लास्ट हाफ डबल क्रोशिया है। अब जो हमने थ्री चैन टू चैन बनाए थे 1 2 तो यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए ऐसे, फिर टू चैन लेंगे, फिर से इसी राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो हर एक चैन पे एक एक हाफ डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये 1, नेक्स्ट वाली चैन में 2, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हमको अपने ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया के हम 1 1 2 3 4 5 6 7 7 राउंड पूरे कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही पूरे हाफ डबल क्रोशिया के बनाते हुए 7 राउंड कंप्लीट करते हैं। ये हमने टोटल 8 रो बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो बनाने के बाद अब हम जाली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 2 चैन लेंगे, वो सॉरी 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद एक चैन स्किप करके नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, फिर 3 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद एक चैन स्किप करके नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी यहाँ से जालियाँ बन जाएंगी और यहाँ पे हम डोरी डालेंगे। 1 2 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट एक चैन स्किप एक स्किप करके नेक्स्ट में से हम ऐसे अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये तो 1 चैन स्किप करते हुए हम अपनी पूरी जाली बनाएंगे। ये तो पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हमने अपना राउंड कंप्लीट किया। अब यहाँ से हम 1 चैन लेंगे और फिर 1 2 3 जो चैन बनाए थे यहाँ से सेकंड चैन से हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम 2 चैन लेंगे, सेम प्लेस में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 फिर नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, फिर नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई हमने, फिर नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाई, फिर नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट होगा। ये यहाँ पे 1 हाफ डबल क्रोशिया बना के और यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। अब ज्वाइंट करने के बाद ये देखिए, अब एक राउंड हम हाफ डबल क्रोशिया का पूरा बनाएंगे फिर से। तो 2 चैन लेंगे,
अब सेम प्लेस पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा आखिरी राउंड है हाफ डबल क्रोशिया का। हर एक चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ये हमने हाफ डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करने के बाद ज्वाइंट किया, थ्री चैन ली हमने। अब सेम प्लेस में टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वन डबल क्रोशिया हुआ एंड ये टू डबल क्रोशिया हुआ। तो हम चैन को भी काउंट करेंगे तो हमारे थ्री डबल क्रोशिया हुए। नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू एंड थ्री। ये देखिए थ्री डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब हम फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस पे। ये वन टू एंड थ्री, थ्री डबल क्रोशिया बनाए। अब जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट करेंगे। ये हमने अपना पूरा राउंड कंप्लीट किया, ये देखिए ऐसे। अब हम यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे, लास्ट की जो थ्री चैन थी तो वन टू टू चैन से ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। ऐसे ज्वाइंट किया हमने, अब हम कट कर देंगे। ये देखिए ग्लव्स बनकर पूरा रेडी हो गया है। अब हम डोरी बनाएंगे। तो हम डोरी बनाने के लिए सबसे पहले रिंग बनाएंगे, तो मैजिक रिंग बनाएंगे सबसे पहले हम। मैजिक रिंग बनाने के बाद थ्री चैन लेंगे, थ्री चैन ली हमने। अब यहाँ पे हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, ऐसे हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले थ्री बना ली हमने, ये देखिए। अब इसको हम रिंग को बैक साइड से ऐसे पूरा खींच के टाइट क्लोज कर देंगे। अब हमने जो थ्री चैन बनाए थे यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से, ऐसे। ये देखिए ऐसे। अब हम 15 चैन बनाएंगे, सॉरी 55 चैन बनाएंगे। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे हम 55 चैन बनाएंगे। ये हमने 55 चैन बनाई। अब हम थ्री चैन एक्स्ट्रा लेंगे, वन टू एंड थ्री। अब ये जो फोर्थ चैन है वन टू थ्री स्किप करके फोर्थ चैन से हम इस फोर्थ चैन पे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी वन थ्री चैन काउंट करेंगे तो टू हो गए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। ये 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ये जो हमने थ्री चैन लिए थे यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा रिंग भी रेडी हो गया। और जो ये जो चैन है यहाँ से हम लेके यहाँ से इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो हमारा ये दूसरा सिरा भी रेडी हो गया डोरी का। ये देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करने के बाद अब हम कट कर देंगे। ये देखिए ये सेम बन गया। तो हमने जो मैजिक रिंग बनाया था उसमें 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, सॉरी मैंने 12 बोले थे बट 10 बनाने हैं इसमें, और इधर भी 10 और इधर भी 10। तो हमने ये हमने अपना पूरा कंप्लीट किया। हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये तो, और फिर यहाँ से हम निडल से ये जो जो हमारा वूल निकला है ये पूरा अंदर बैक साइड से इसको, ये बैक साइड से यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे।
ये हमारी डोरी रेडी हो गई बनके। इस साइड भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, अब ये जो हमने ये डोरी बनाई है, इसमें एक एक डोरी से यहां से ऐसे निकाल के बहुत अच्छे से निकल जाएगा सब। तो हमको ऐसे निकाल निकाल के पूरा ये जाली से पूरा डोली निकालना है। ये देखिए, ऐसे निकाल के पूरा राउंड तक इसको लेके आएंगे। पहले देखिए, इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड करके ऐसे पकड़ के फिर यहाँ से एक एक जाली से निकालेंगे। बहुत इजीली निकल आता है। ये देखिए, ऐसे ये हमने निकाल लिए सब। ये देखिए, हमारे बेबी प्लस ग्लव्स बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ से हम टाइटली क्लोज करेंगे, एक नॉट लगाएंगे ऐसे। ये देखिए, डोरी भी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। सिंपल है पर बहुत ही सुंदर है। ये देखिए ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्लव्स बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्लव्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डोरी से, हमें जितना बेबी के हैंड के हिसाब से जितना टाइट और जितना लूज चाहिए, हम यहाँ से कर भी सकते हैं। डोरी भी कितनी ब्यूटीफुल है, बिल्कुल न्यू लुक में डोरी है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है डोरी भी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नया आइडियाज के साथ।